इसका मतलब मान लिया हमारी योजना शानदार है, मान लिया, वो चिंता नहीं करे, हमने ठीक करके पेश कर दी है, लागू अच्छे ढंग से करिए, वो चिंता नहीं करे। वो तो ये बताए आप 25 लाख बीमा कब घोषणा करोगे केंद्र के अंदर, बताएं ओपीएस लागू कब करोगे, बताएं शहरी रोजगार योजना कब शुरू करोगे शहरों के अंदर। हमने बड़े बड़े फैसले किए हैं, वो फैसले केंद्र लागू कब करेगा ये प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ आके बताना चाहिए। पहले लागू करें फिर आगे कैंपेन करें। आप मैंने कोर्ट में कहा, जुडिशियल करप्शन की बात मैंने करी है, ठीक है, उसको लेके कोई व्यक्ति गए हैं पीएल फाइल करी मेरे खिलाफ में, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, कोर्ट ने मुझे जवाब मांगा, मैंने बकायदा पूरा जवाब दिया। मैंने कहा मैंने कुछ, मेरी राय नहीं है, वो हिंदुस्तान के अंदर 8-9 सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने, रिटायर्ड जजेज ने भी, 2 CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उनके खुद के मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, जस्टिस भरूचा जी ने, जस्टिस आलम लोढ़ा थे राजस्थान के ही हैं, इन्होंने क्या क्या कमेंट किए हैं वो मैंने पढ़े हैं। तो पर्सन बन रहा है भाई जुडिशरी के अंदर करप्शन है तो चिंतित होना स्वाभाविक है, मैं एक नागरिक हूँ, मैंने चिंता व्यक्त करी है। और जुडिशरी हमारे लिए अगर सम्मानित नहीं रहेगी, जुडिशरी का हर नागरिक को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को सर्वोच्च सम्मान करना चाहिए, जुडिशियल सैंक्टिटी, निष्पक्षता, उस पर विश्वास भारतवासियों का, देशवासियों का सुप्रीम रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा, मेरा मानना है। ये लोकतंत्र आज खतरे में क्यों आ रहा है, लोकतंत्र में खतरे क्यों मंडरा रहे हैं, आज हम चिंता में क्यों हैं, आज एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी इनकम टैक्स CBI का, जुडिशियल दबाव में काम करती है, कॉलेज में जाते नाम बार सरकार क्यों नहीं उनको अप्रूव करती है, हमारे पास नाम आते हैं राजस्थान में CM के पास में, हम इमीडिएटली फॉरवर्ड कर देते हैं दिल्ली के अंदर, कॉलेजियम जो बनता है भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, कॉलेजियम के कितने नाम अटके पड़े हैं केंद्र में, क्यों अटके पड़े भाई, दबाव में रखने के लिए जुडिशरी को, ये मेरी शिकायतें हैं। फिर भी मैंने क्या कहा, मैंने कहा उसके बावजूद भी मैंने तो ये सब सुनकर के मैं दुखी हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, दुखी हूँ कि जुडिशरी में दबाव नहीं होना चाहिए, करप्शन की शिकायत नहीं होनी चाहिए, पर्सन बन रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट जजेज कह रहे हैं तो पर्सन बनता है, स्वाभाविक है, उससे ये पर्सन नहीं बने देश के अंदर, जुडिशरी सुप्रीम रहे, ये मैंने कहा है। फिर भी आपको लगता है कि जुडिशरी में मेरे शब्दों के कारण से कंटेम लगता है आपको, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ अनकंडीशनल, मैंने माफ़ी लिख के दे दी उनको। PM के बाद अब सारे नेता काम के साथ में संजीवनी जुड़ गई, उनका 1.5 लाख लोग बर्बाद हो गए बेचारे, उनके परिवार के अंदर जो है क्या हालात है, आंखों आंसू हमारे आ जाते सुनते तब, क्या उनके आंखों आंसू नहीं आने चाहिए, गरीब शेखाव साहब के आंखों आंसू नहीं आने चाहिए क्या, डूब गए 1.5 लाख परिवार डूब गए हैं, घर घर की कहानी आप सुनेंगे, 1,50,000, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़ क्या बीती होगी उनके ऊपर डूब के पैसे, तो उनके आंखों आंसू आना जरूरी है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, संवेदनशीलता होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री बना किसे कहते हैं, मैं खुद मंत्री रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, ये तो बड़े मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, आगे आके मदद करनी चाहिए उनकी। मैं तो एक बार नहीं 25 बार में ही मांग सकता हूँ, अगर वो आगे आके इन सब की मदद करे, पैसा दिलवा दे, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो। मैंने वही कहा जो कानून क्या कहता है, एज होम मिनिस्टर मेरे पास आए थे जो लोग मिलने के लिए, मैंने पता किया SOG से मालूम किया, ऐसे निकल रहे सब मुलजिम हैं हमारे रिकॉर्ड के अंदर, तो मैं फिर क्या कहूँ, ये तो मैंने कहा है। अब केस करना आप जानते हो, केस कोई कर सकता है, तो मैंने कोई उसी आलोचना भी नहीं करी, मैं इसी बहाने अगर बहस होगी, हो सकता है इनको खुद को दिमाग में आ जाए कि मैंने गलती कर दी है, मुझे आगे आना चाहिए, मुझसे बात करें वो, अगर सरकार का सहयोग चाहिए उनको हमसे ले, वो हम मिलकर के पैसा छुपाएं उनका, कुछ तो वो करे आगे आकर के, जिम्मेदारी जो जेल में बैठे हुए हैं उनकी जितनी है उतनी जिम्मेदारी इनकी भी है, फर्क इतनी वो जेल के अंदर है जेल के बाहर है, मुझे बराबरी के हैं, ये स्थिति है। PM के बाद सारे केंद्रीय मंत्री, अरे इनको पूछो जहाँ सगर आपकी है, मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएं हो रही है, UP में क्या हो रहा है, पूछो उनको, हम तो बहुत सुखी हैं, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ।
पर आज हमने मान लो कंपल्सरी कर दी FIR। इंडिया गवर्नमेंट और पीएम को चाहिए अपने राज्यों में सरकार उनकी है वहां तो कंपनी करवा दे फरियादी वो जाए थाने के अंदर FIR दर्ज हो। मीडिया भी इसको उस रूप में नहीं जगह दे पाया देश के अंदर हमारे फैसले को। FIR लॉन्च करना लोग भगा देते थाने से। अच्छे अच्छे केसेज में फरियादी दुखी हैं पीड़ित हैं सुनने नहीं होती है। हमने सिस्टम बदल दिया है कंपल्सरी FIR होना कैसे कहते हैं। पर देश की मीडिया ने भी और राजस्थान की मीडिया ने भी उस ढंग से बढ़ करके आगे आना चाहिए था। उनको आर्टिकल लिखने चाहिए थे या तो हमारी आलोचना करते वो या स्वागत करते दो तो बात होती है कुछ ध्यान दे नहीं रहे उसके ऊपर। मैं उसको बड़ा क्रांतिकारी फैसला मानता हूँ मेरी गवर्नमेंट का बहुत क्रांतिकारी फैसला ये है। हमारे यहाँ पर हर थाने में FIR कंपल्सरी होगी नहीं होगी तो SP का ऑफिस में होगी। ये बड़ा फैसला हमारा है। और इससे क्या हुआ कई लोग कोर्ट जाते थे FIR मना करता था थानेदार भगा देता था उसके रास्ता बचता है कोर्ट में जाने का। हमारे 56(3) के अंतर्गत आदेश लेके आता जांच करे पुलिस आपको आश्चर्य होगा वो नहीं के बराबर हो गई है। दर्द होने लग गई क्यों जाए कोर्ट के अंदर क्यों पैसा खर्च करे। हमारे ऐसे क्रांतिकारी फैसले हमारी सरकार का रिसर्च कोई करे हमारे फैसलों का हमारे कानून ने पास किए उसके बारे में हमारी घोषणाओं के बारे में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो पूरे हो गए हैं उसके बारे में हमारी पॉलिसी के बारे में हर सेक्टर में पॉलिसी बनाई है इंक्लूडिंग टूरिज्म। आप देखिएगा कंपेयर कर हमारी गवर्नेंस 5 साल की क्या रही है। घर घर में खुशियाँ मना रहे लोग बाग राजस्थान का हर गांव हर घर वो बेनिफिशियरी हमारे हैं स्कीमों से किसी किसी रूप में 25 लाख का बीमा हो वो भी बेनिफिशियरी है। इलाज करना कितना महंगे इलाज है 5 लाख 10 लाख 2 लाख 1 लाख मामूली वाले 50,000 रुपये खर्च करना सफरी हो गया। हम जानते कुछ कमियां भी होगी दूर करेंगे उसको हम लोग। तो हमारा अनाउंसमेंट होते ही वो मीटिंग बुला रहे समझ जाओ कि हमारे निर्णय का कितना बड़ा महत्व है आप समझ सकते हैं। तो वो तो हमारी हर निर्णय को लेके उनको आलोचना करने के शब्द नहीं मिल रहे हैं जो सना वर्ड होता है ना सब नहीं मिल रहे हैं। तो वो कभी कभी लाल डायरी कभी पीली डायरी कभी काली डायरी की बातें करते हैं जो बुखला गए हैं वो अपने नेताओं को भी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी राजनाथ सिंह जी को नड्डा साहब को यहाँ के नेताओं को ब्रीफ करना चाहिए उनको ढंग से। ये मुद्दे बनेंगे राजस्थान के अंदर साहब इस बार बोलिएगा हमेशा जो केंद्रीय नेता आता है पूरी ब्रीफिंग देता है स्थानीय नेताओं से। आज स्थिति ऐसी बन गई है स्थानीय नेता जो है इश्यू बताने की स्थिति में नहीं है केंद्रीय नेताओं को ये स्थिति है। अब केंद्रीय नेता आते हैं तो फिर वो उलझुल आरोप लगाते हमारे ऊपर। देखिए आदेश तो हो जाएगा आदेश तो इमीडिएटली हो जाएंगे जब मैंने कह दिया है तो निर्णय जल्दी आ जाएगा। उसके बाद में अगर कोड़ों करने लागू भी होता है तो इसमें क्या दिक्कत आएगी। हम तो अच्छा काम ही कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो चुकी है हाई कोर्ट का फैसला आ गया है बिहार गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर आ गया है। तो वही मॉडल हम अपना रहे जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वही मॉडल जो है राजस्थान में अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा ठीक है सेंसस जो होता है जनगणना वो भारत सरकार ही करा सकती है वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है क्योंकि खाली सर्वे हो रहा है परिवारों का सर्वे हो रहा है आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे मालूम पड़ेगा मैं बार बार केंद्र सरकार से मांग करता हूँ ना राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास करो। 4 कानून बनाए थे मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी ने केंद्र में राइट टू एजुकेशन नरेगा फूड सिक्योरिटी एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन। 5वां कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। मान लो कानून बनेगा भी कभी आज कल बनेगा तो किसको लाभ मिले किसको लाभ नहीं मिल पाए या कौन एलिजिबल है ये सब सर्वे हो जाएगा एक बार सब परिवारों का। तो
तो जो मेरा सपना है कि दुनिया के मुल्कों की तरह देश के अंदर भी, जैसे राहुल गांधी ने कहा था 6,000 रुपये न्याय योजना, ये न्याय योजना ही एक प्रकार से हर परिवार का हक है जिंदा रहने का, जीवन चलाने का। कई परिवार की स्थिति बहुत खराब होती है, हमको आपको मालूम नहीं पड़ता है, सर्वे हो जाएगा, कानून बन जाएगा, स्वतः ही बिना मांगे हुए सर्वे के आधार पर लोगों को इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा काम है ये, वो करने जा रहे हैं।